विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्न मारा तीन के क्वेश्चन। कल हमने 3.2 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, अब जो विविध के क्वेश्चन है वो आज कर लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका। यदि आयु ए दे रखा आपको ये हो तो ए स्क्वायर आपको ज्ञात करना, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए आपको ज्ञात करना। तो दिया है ए बराबर दे रखा -1 1 1 1, अतः ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए इंटू ए। क्लियर। अब ए क्या है आपका -1 1 1 1 इंटू -1 1 1 और 1। अब इन दोनों का क्या करना है आपस में गुणा करना है। तो -1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा +1। अब इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करवाना है तो -1 का 1 से करेंगे -1, 1 का 1 से करेंगे +1। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करवाना है, अब 1 का -1 से करवाएंगे तो -1 प्लस 1 का 1 से 1 और 1 का 1 से 1 और 1 का 1 से 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2 और -1 प्लस 1 0 0 2। क्लियर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां से 2 आप बाहर ले सकते हो तो 2 1 0 0 1। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। अगर आप इसको एक और पंक्ति में लिखना चाहते हो आगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2। अब ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × i। क्लियर। तो ये है आपका ए स्क्वायर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए बराबर आपको दे रखा है फॉर 2 -1 1 हो तो ए -2i इंटू ए -3i ज्ञात करो। ये आपको ज्ञात करना है। तो ए आपको दे रखा है आपको ए -2i इंटू ए -3i ये ज्ञात करना है। दिया है ए बराबर 4 2 -1 1। अब सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं ए -2i। नाउ ए -2i, तो ए आपका क्या है 4 2 -1 1 -2। अब देखिए जब व्यकलन करते हैं तो व्यकलन तभी पॉसिबल होता है जब उन दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किस क्रम की होगी, 2 क्रम की होगी, 2 × 2 क्रम की। तो 1 0 0 1, तो यहां से ये क्या आ जाएगा 4 2 -1 1 -2 0 0 2। तो फाइनली ये आपका क्या आ जाएगा 4 - 2 क्या होता है 2 2 - 0 2, -1 -0 -1 1 - 2 - 1, ये आपका आ गया ए -2i। अब हम ज्ञात करेंगे ए -3i, ए -3i, तो ए आपका क्या है देख लीजिए 4 2 - 1 1 -3i, यहां पर भी आई कौन सा लेंगे 2 × 2 क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये बराबर आपका क्या आ जाएगा 4 2 - 1 1 - 3 0 0 3। तो यहां से a -3i बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 - 3 1 2 - 0 2 -1 -0 -1।
अब वन माइनस थ्री हो जाएगा आपका माइनस का, क्लियर। तो अब नाउ ए माइनस टू आई इंटू ए माइनस थ्री आई, तो ए माइनस टू आई क्या है, ये रहा आपका ए माइनस टू, यहां पे निकाला हमने टू टू माइनस वन इंटू ए माइनस थ्री आई, ये रहा आपका वन टू माइनस वन माइनस टू। चलिए इसका गुणा कर देते हैं, क्या आता है, दो को दो से करेंगे दो माइनस दो, दो को दो से करेंगे चार, और दो को माइनस दो से करेंगे माइनस चार, माइनस वन को वन से करेंगे आपका आएगा माइनस वन, और माइनस वन को माइनस वन से करेंगे प्लस वन, माइनस वन को टू से करेंगे माइनस टू, और माइनस वन को माइनस टू से करेंगे प्लस टू। तो फाइनली आपका आंसर आएगा जीरो 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 जीरो, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, दो क्रम का शून्य मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा, दो क्रम का शून्य मैट्रिक्स। आगे बात समझ में, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दो, क्लियर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शून्य मैट्रिक्स जीरो, लेकिन यहाँ पे दो, इसका मतलब क्या है कि दो इंटू दो क्रम का शून्य मैट्रिक्स है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीन क्या है आपका, देख लीजिए, हाँ तो क्वेश्चन नंबर तीन है आपका, यदि ए एक मैट्रिक्स है, यदि ए है आपका वन टू माइनस थ्री फोर, वन टू माइनस थ्री फोर, तथा बी आपका दे रखा है फाइव माइनस वन, स्तंभ मैट्रिक्स है ये, हो तो ए इंटू बी ज्ञात कीजिए, हो तो ए इंटू बी ज्ञात करो, क्लियर। चलिए यानी कि आपको क्या करना है, ए इंटू बी ज्ञात करना है, ए इंटू बी बराबर, तो ए क्या है आपका वन टू माइनस थ्री फोर, और बी क्या है आपका फाइव माइनस वन, क्लियर। अब ध्यान से देखना, इसका क्रम क्या है, दो इंटू दो, इसका क्रम क्या है, दो इंटू वन, तो क्या गुणा ए का बी से पॉसिबल है, बिल्कुल, स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, गुणा बिल्कुल पॉसिबल है, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका क्रम क्या होगा, दो इंटू वन क्रम का, क्लियर। चलिए अब करते हैं इसका गुणा। हाँ तो सबसे पहले गुणा करने का तरीका क्या है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना, वन का करेंगे फाइव से तो क्या आएगा फाइव, और टू का करेंगे माइनस वन से तो आएगा माइनस टू, क्लियर हो गया। तो पंक्ति का स्तंभ से, अब दूसरी पंक्ति का इसके स्तंभ से गुणा करेंगे, माइनस तीन का पांच से करेंगे माइनस का पंद्रह, चार का माइनस वन से करेंगे माइनस का चार, तो ये क्या हो जाएगा, पांच माइनस दो तीन, माइनस पंद्रह माइनस चार माइनस का उन्नीस, तो ए इंटू बी का मान क्या आया, तीन माइनस का उन्नीस। चलिए क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार क्या है, यदि ए बराबर दे रखा है ये आयु, और बी बराबर दे रखा है ये आयु, और यहाँ पे ये आयोटा है, जहां आयोटा क्या होता है, रूट माइनस वन, तो आपको ज्ञात क्या करना है, बी इंटू ए आपको ज्ञात करना है, तो देखिए बी इंटू ए बराबर, तो बी क्या है आपका जीरो आयोटा, आयोटा जीरो, इंटू ए क्या है आपका माइनस आयोटा, जीरो जीरो आयोटा, क्लियर। चलिए अब गुणा कर दीजिए इसका, तो जीरो का माइनस आयोटा से गुणा करेंगे क्या आएगा जीरो, क्लियर, और आयोटा का जीरो से करेंगे क्या आएगा जीरो, हो गया ये। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे, जीरो का जीरो से करेंगे जीरो, आयोटा का आयोटा से करेंगे प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा।
अब यहां पे आयोटा का करेंगे माइनस आयोटा से, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और जीरो का जीरो से तो प्लस जीरो। अब अगला इस पंक्ति को इस सिस्टम से करेंगे, आयोटा का जीरो से जीरो, जीरो का आयोटा से जीरो। तो देखो ये क्या आ रहा है, जीरो आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर जीरो। जीरो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है आपको पता है, माइनस का वन, और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस का वन जीरो। तो फाइनली आपके पास में बी इंटू ए जो है वो आया आपके पास में जीरो माइनस वन वन जीरो, ये आपका आ गया बी इंटू ए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, यदि ए माइनस बी यानी कि दो मैट्रिक्सों का व्यकलन ए में से बी घटाते हैं तो आपके पास में क्या आता है, वन वन माइनस वन 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 जीरो और वन जीरो जीरो, क्लियर। तथा ए प्लस बी यानी इन्हीं दो मैट्रिक्सों का योग वो आपके पास में आता है थ्री फाइव माइनस सेवन माइनस वन वन फोर इलेवन एट जीरो। हो तो आयु ए तथा बी ज्ञात कीजिए, हो तो आयु ए तथा बी ज्ञात करो। आगे बात समझ में, चलिए अब देखिए, सबसे पहले ए माइनस बी आपको दे रखा है, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये है आपका ए माइनस बी वन वन माइनस वन 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 जीरो वन जीरो जीरो। आप इसको समीकरण एक दे दीजिए, और दूसरा ए प्लस बी दे रखा है आपको वो देख लीजिए क्या है, थ्री फाइव माइनस सेवन माइनस वन वन फोर इलेवन एट जीरो, इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें समीकरणों का योग करना है पहले, और फिर हम करेंगे व्यकलन, तो उससे हमारे पास में अलग अलग ए और बी के मान आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण एक प्लस समीकरण 2 से, यानी समीकरण एक वे दो को जोड़ना है। तो जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो इधर से लेफ्ट वाला पक्ष जुड़ता है, बराबर फिर राइट वाला पक्ष भी आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो ध्यान से देखना, जोड़ने पर ए प्लस ए क्या हो गया, टू ए, और माइनस बी प्लस बी ये क्या हो गया, जीरो। तो क्या आया इधर, टू ए, और इधर हम जोड़ेंगे इनको, यानी कि अब इधर क्या है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को जोड़ने का तरीका क्या है, उनके संगत अवयवों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां से वन प्लस थ्री क्या हो जाएगा, फोर, और वन प्लस फाइव क्या हो जाएगा, सिक्स, माइनस वन माइनस सेवन क्या हो गया, माइनस का आठ। आगे बात समझ में, वन और माइनस वन ये क्या हो गया, जीरो, वन प्लस वन ये क्या हो गया, टू, और जीरो प्लस फोर ये क्या हो गया, फोर। अगला वन प्लस इलेवन ये हो गया आपका ट्वेल्व, जीरो प्लस एट ये हो गया आपका एट, और जीरो प्लस जीरो ये हो गया आपका जीरो। तो यहां से अब ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये दो इस तरफ जाएगा, एक बटा दो फोर सिक्स माइनस एट जीरो टू फोर ट्वेल्व एट जीरो। तो यहां से फाइनली ए आपका आ जाएगा, अब देखिए ये क्या हो रहा है, अदिश गुणा हो रहा है, तो अदिश गुणा करते हैं किसी मैट्रिक्स को तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसके अवयव पुराने वाली मैट्रिक्स के क्या हो जाते हैं, के गुना हो जाते हैं। यानी यहां पे ये कोई मैट्रिक्स है,
ये कोई मैट्रिक्स है, इसको मान लीजिए, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है सी, ये इतनी वाली, इस मैट्रिक्स सी को मैंने अदिश 1/2 से गुणा किया, यानी के का मान क्या लिया हमने 1/2। अब इसका जब गुणा करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी आपकी, ये जो ए है, नई मैट्रिक्स ये जो ए है, वो क्या हो जाएगी, इस सी मैट्रिक्स के जो अवयव है उस प्रत्येक अवयव का क्या हो जाएगी, 1/2 गुणा, या आप सीधा कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव को क्या कर दीजिए, 1/2 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यहां पे 1/2 × 4 ये क्या हो जाएगा फिर 2, और ये क्या हो जाएगा यहां पे 3, और 1/2 × -8 ये हो जाएगा आपका -4, और ये क्या रहेगा 0, और 1/2 × 2 ये हो गया आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 0। आगे बात समझ में, तो ए आपका आया है 2, 3, -4, 0, 1, 2, 6, 4, 0, क्लियर। अब अगला देख लीजिए आप, अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब समीकरण ऐसा कीजिए, आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लीजिए, यानी इसमें से ये घटा लीजिए, तो यहां से ए माइनस ए हो जाएगा 0, बी माइनस माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, आगे बात समझे, 2b हो जाएगा। अब देखना समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो देखिए सबसे पहले दाएं पक्ष में देख लीजिए, ए माइनस ए क्या हो गया 0, अब बी माइनस माइनस बी तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2b, 2b बराबर क्या आ जाएगा आपका, अब इसमें से ये घटाना है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा आपका 4, -7 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -7 + 1 यानी -6, -1 - 1 तो हो गया ये -2, अब 1 - 1 ये हो गया आपका 0, 4 - 0 ये हो गया आपका 4, और 11 - 1 ये हो गया आपका 10, और 8 - 0 ये हो गया आपका 8, और 0 - 0 ये हो गया आपका 0। तो यहां से b बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/2, 2, 4 - 6 - 2, 0, 4, 10 @ 0। अब ये इसको, ये एक अलग मैट्रिक्स है, इसको 1/2 से गुणा करना, यानी प्रत्येक अवयव को क्या कर दीजिए, 1/2 से गुणा कर दीजिए, तो बी आपका क्या आ जाएगा, हाँ 1, 2 - 3 - 1, 0, 2, 5, 4, 0, ये आपका बी आ गया, बी की वैल्यू क्या आई, 1, 2 - 3 - 1, 0, 2, 5, 4, 0, तो ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, तो दे रखा था ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए और बी क्या करना, तो यहां पे ये आपका ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, हाँ तो आपका क्वेश्चन 6 क्या है वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये देखा कि यदि ये मैट्रिक्स है कोई -2 - 3 - 1, -y - 2 ये पूरा एक अवयव है, -1 - 4 ये मैट्रिक्स बराबर है इसके, इस वाले मैट्रिक्स के, x + 2 - 3 - +1 5 - 1 - 4 हो, तो x तथा y के मान ज्ञात करो, x तथा y के मान ज्ञात करो। अब ध्यान से देखना, चूंकि
ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में समान है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये वाली मैट्रिक्स बराबर है इस वाली मैट्रिक्स के। अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स समान है, बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे इसका क्रम क्या है, 2 × 3, इसका क्रम भी 2 × 3, तो क्रम समान है तो मैट्रिक्स समान हो सकती है। अब ये कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स समान है, अगर दोनों मैट्रिक्स समान है तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। चूंकि दोनों अवयव समान अवयव है इसलिए दोनों अवयव के संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर -2 किसके बराबर होगा, x+2 के। आगे बात समझ में, अब 2 को इधर भेज दीजिए, दैट इंप्लाइज एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2 -2, एक्स बराबर क्या हो गया, -4, ये आपका आ गया एक्स। और -y -2, ये वाला अवयव किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। आगे बात समझे, -y को उधर भेज दीजिए, 5 को इधर लेके आ जाइए, तो -2 -5 बराबर y, देयर इंप्लाइज y बराबर हो जाएगा -7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका आ गया x बराबर -4 और y बराबर -7। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है, अवयव a का क्रम 3 × 4 है, अवयव a का क्रम 3 × 4 है तथा b इस प्रकार का अवयव है, इस प्रकार का अवयव है कि a का ट्रांसपोज इंटू बी एवं a इंटू बी का ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित है। तो b का क्रम लिखिए, लिखो। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, b का क्रम ज्ञात करना है। आपको दे रखा है एक अवयव a है जिसका क्रम क्या है, 3 × 4। तो देखिए a का ट्रांसपोज इंटू बी परिभाषित है और a इंटू बी का ट्रांसपोज भी परिभाषित है। दो अवयवों का गुणा तभी संभव होता है जब उसकी कंडीशन वहां पे क्या होनी चाहिए, एप्लाई होनी चाहिए। यानी कि a का ट्रांसपोज में जो स्तंभों की संख्या है वो b में क्या होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर a में जो स्तंभों की संख्या वो b के ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन से हम निकालेंगे b का क्रम। तो ध्यान से देखना, a का क्रम क्या है, 3 × 4। a का क्रम क्या देगा, 3 × 4। तो पहले हम a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बताइए a के ट्रांसपोज का क्रम क्या होगा, a का क्रम 3 × 4 है तो a का ट्रांसपोज क्या होता है, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो जो a का ट्रांसपोज है उसका क्रम क्या हो जाएगा, 4 × 3। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो a के ट्रांसपोज का क्रम क्या हो गया, 4 × 3। अब ध्यान से देखना, चूंकि a का ट्रांसपोज इंटू बी परिभाषित है, अतः ए का ट्रांसपोज इंटू बी परिभाषित है। कब परिभाषित होगा, जब ए के ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या, यानी ये जो अवयव है इसमें स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या। अतः ए के ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या बराबर होगी बी में पंक्तियों की संख्या। आगे बात सुन, तो बताइए मुझे ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, ए के ट्रांसपोज में, सॉरी ए के ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या कितनी है, ये रहा ए का ट्रांसपोज, इसका क्रम क्या है, 4 × 3।
तो यानी कि ए के ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या कितनी है? तीन। आगे बात समझ में? बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, तो देखिए बी में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? तीन। आगे बात समझ में? अतः बी में पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? तीन। तो हमने बी में पंक्तियों की संख्या तो हमने निकाल ली, कितनी आ गई? तीन आ गई। क्लियर इस वाली कंडीशन से? अब देखिए इसका दूसरा पार्ट। अब क्या कह रहा? ए इंटू बी का ट्रांसपोज परिभाषित है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, चूंकि ए इंटू बी का ट्रांसपोज परिभाषित है। अब ध्यान देना यहां पे, तो अतः ए में स्तंभों की संख्या बराबर होगी बी के ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या। सिंपल है। अब बताइए ए में स्तंभों की संख्या कितनी है? तो ये रहा आपका ए, ए का क्रम ये रहा तीन इंटू चार, तो स्तंभों की संख्या कितनी है? चार। बराबर बी के ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या। अब यहां पे ध्यान देना, बी के ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या चार है, तो बी में, बी में स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? चार। कैसे? ध्यान से देना, ये मान लीजिए बी का ट्रांसपोज है, ठीक है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है? चार। तो बी के ट्रांसपोज का क्रम क्या हुआ? चार इंटू मान लीजिए एम। बी के ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या क्या होती है? पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, ये होता क्रम। बी के ट्रांसपोज का क्रम क्या होगा? चार इंटू एम। ये कह रहा है कि बी के ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या कितनी है? चार, तो इसका क्रम क्या होगा? चार इंटू एम। अभी हमको पता नहीं कि इसमें स्तंभों की संख्या क्या है, तो हमने उसको क्या मान लिया? एम मान लिया। अब ध्यान से देखना, ये बी का ट्रांसपोज है, इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगा, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्रम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, एम इंटू फोर। आगे बात समझ में? अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? बी, यानी बी का क्रम क्या है? एम इंटू फोर। बी का क्रम क्या हो गया? एम इंटू फोर, यानी कि बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? एम, और ये स्तंभ की संख्या कितनी हो गई? चार। तो बी में स्तंभों की संख्या कितनी आ गई? चार। स्तंभों की संख्या कितनी? चार। और ये क्या है? पंक्तियों की संख्या। ये पंक्तियों की संख्या तो अभी हमने यहाँ पे निकाल ली थी, कितनी है? तीन है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान देना, ट्रांसपोज में क्या होता है? ट्रांसपोज में पंक्तियां और स्तंभ परस्पर क्या हो जाता है? चेंज होता है। यानी यहां पे कहने का मतलब यह है कि बी के ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या अगर चार है, तो बी में स्तंभों की संख्या कितनी होगी? चार, क्योंकि पंक्तियां और स्तंभ आपस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अतः बी में क्या स्तंभ, यानी कि बी की, अब बी के ट्रांसपोज की जो पंक्तियां हैं चार, वो बी के क्या बन जाएंगे? अब स्तंभ बन जाएंगे। अतः बी में स्तंभों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? चार। आगे बात समझ? तो यहां पे हमने निकाली बी में पंक्तियों की संख्या तीन, और यहां पे बी में स्तंभों की संख्या चार। अतः बी का क्रम क्या हो जाएगा? तीन इंटू चार। तो आव्यु बी का क्रम क्या हो जाएगा? तीन इंटू चार हो जाएगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ क्या दे रखा है आपको? यदि ए बराबर माइनस टू माइनस वन वन और माइनस वन सेवन फोर और वन माइनस एक्स माइनस थ्री, एक सममित आवयु है, एक सममित आवयु है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो
एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वह क्या है, सममित मैट्रिक्स है, तो आपको इस x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए कोई अगर आव्यूह सममित आव्यूह है तो सममित आव्यूह की पहचान क्या होती है, कि सममित आव्यूह होगा तो a का ट्रांसपोज बराबर होगा a, यानी कि अगर a कोई वर्गाकार आव्यूह है तो a बराबर a का ट्रांसपोज है तो हम कहेंगे कि वो a क्या है, सममित आव्यूह है। एक आव्यूह a दे रखी है, अब आपके पास में ये रहा आव्यूह a, तो देखिए a का ट्रांसपोज बराबर, a का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा बताना, माइनस टू माइनस वन वन, माइनस वन सेवन फोर, वन माइनस एक्स माइनस थ्री, ये आपका निकल गया इस आव्यूह a के लिए a का ट्रांसपोज। अब देखिए चूंकि आव्यूह a सममित आव्यूह है अतः a का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा a, यानी कि ये a बराबर होगा a का ट्रांसपोज, यानी a का ट्रांसपोज क्या है, माइनस टू माइनस वन वन, माइनस वन सेवन, माइनस एक्स वन फोर माइनस थ्री, बराबर होगा किसके, a के, माइनस टू माइनस वन वन, माइनस वन सेवन फोर वन, माइनस एक्स माइनस थ्री। अब ये कह रहा है a का ट्रांसपोज बराबर है a के, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, समान मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स है तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, अतः ये वाला अवयव कौन सा हो गया, तो अतः ये हो गया a टू थ्री, a टू थ्री बराबर होगा किसके, ये वाला यहां पे रहा a टू थ्री के, इसका अवयव इसका अवयव, मान लीजिए ये a टू थ्री, इसको मान लीजिए b टू थ्री, यानी इसको अगर आप आव्यू मानते हो जिसके अव्यू ए आई जे, और इसको अगर आप आव्यू मानते हो जिसके अव्यू बी आई जे, आगे बात समझ, तो यहाँ पे ए टू थ्री बराबर बी टू थ्री, तो यहाँ पे ये रहा माइनस एक्स, देयर इंप्लाइज माइनस एक्स बराबर होगा किसके, फोर, तो यहाँ से एक्स बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस का फोर, और यहाँ से भी देख सकते हो ये रहा माइनस एक्स बराबर फोर, तो एक्स बराबर माइनस का फोर, आगे बात समझ। और इसका दूसरा तरीका क्या है कि भाई आव्यू ए सममित आव्यू है, आव्यू ए सममित आव्यू है तो ए आई जे बराबर होगा ए जे आई, ए आई जे बराबर होगा ए जे आई, इसका मतलब ये वाला कौन सा आव्यू है, ए टू थ्री बराबर होगा किसके, ए थ्री टू के, इसके बराबर होगा ए थ्री टू के। अब ए टू थ्री यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये रहा आव्यू फोर, और ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये रहा आव्यू माइनस एक्स, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई से बराबर होता है ए जे आई, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का, तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो। आगे बात समझ, यहाँ पे करना है तो संगत अव्यव क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, तो माइनस एक्स बराबर फोर, और जिसे एक्स बराबर माइनस का फोर, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी आठ कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर नौ क्या है, देख लीजिए, एक तीन इंटू तीन क्रम का आव्यूह लिखना है आपको, जिसके आव्यूह इस प्रकार दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, एक तीन इंटू तीन क्रम का आव्यूह बी बी आई जे लिखिए, जिनके आव्यूह बी आई जे, जिनके अवयव बी आई जे किस प्रकार दे रखे हैं, आई इंटू जे, आई इंटू जे है। तो ये क्वेश्चन तो अपने 3.1 में भी किया था, उसी प्रकार करना है। अब देखिए एक तीन इंटू तीन क्रम का अवयव माना बी बराबर कैपिटल बी बी आई जे, तीन इंटू तीन क्रम का, तो ये किस प्रकार हो जाएगा, तीन इंटू तीन क्रम का बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री बी थ्री वन बी थ्री टू बी थ्री थ्री। अब आपको इनके मान ज्ञात करने हैं, दिया है, देख
लिख लीजिए दिया है बी आई जे किसके बराबर है, आई इंटू जे के बराबर है, क्लियर। तो अब आप अलग अलग मान ज्ञात कर लीजिए, बी वन वन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो आई और जे की जगह क्या रख देंगे, वन वन रख देंगे, वन इंटू वन बराबर क्या हो गया वन, बी वन टू बराबर क्या हो जाएगा वन इंटू टू बराबर क्या हो गया टू, बी वन थ्री क्या हो जाएगा वन इंटू थ्री बराबर क्या हो गया थ्री, बी टू वन क्या हो जाएगा टू इंटू वन बराबर क्या हो गया टू, और बी टू टू क्या हो जाएगा टू इंटू टू बराबर क्या हो गया फोर, बी टू थ्री क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री बराबर क्या हो गया सिक्स, बी थ्री वन क्या हो जाएगा थ्री इंटू वन बराबर हो गया सॉरी वन सॉरी थ्री, और बी थ्री टू क्या हो जाएगा आपका थ्री इंटू टू बराबर क्या हो गया सिक्स, और बी थ्री थ्री क्या हो जाएगा आपका थ्री इंटू थ्री बराबर हो गया नाइन। अतः आव्यूह b बराबर क्या हो जाएगा आपका, हाँ तो इनका आव्यूह लिख लीजिए वन टू थ्री, वन टू थ्री और टू फोर सिक्स और थ्री सिक्स नाइन, ये देख लीजिए आव्यूह b क्वेश्चन नंबर नौ, वन टू थ्री टू फोर सिक्स थ्री सिक्स नाइन, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया नौ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस, तो क्वेश्चन नंबर दस क्या है वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दस क्या कह रहा है कि यदि आव्यूह ए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दस यदि ए बराबर, हाँ ए बराबर क्या दे रखा है टू थ्री माइनस फोर और माइनस वन टू थ्री, और आपको बी दे रखा है तथा बी बराबर माइनस वन टू थ्री फोर और माइनस फाइव माइनस सिक्स हो, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, वो तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ज्ञात करो। अब देखिए आपको याद क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हमें b का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो दिया है a बराबर टू थ्री माइनस फोर माइनस वन टू थ्री और तथा b बराबर माइनस वन टू थ्री फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। अब देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, b का ट्रांसपोज, नाउ b का ट्रांसपोज बराबर, बताइए b का ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में क्या करना है चेंज कर देना है, तो माइनस वन थ्री माइनस फाइव टू फोर माइनस सिक्स, अतः a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर, तो a क्या है आपका टू थ्री माइनस फोर माइनस वन टू थ्री प्लस बी का ट्रांसपोज आपका क्या है माइनस वन थ्री माइनस फाइव टू फोर माइनस सिक्स, जोड़ लीजिए संगत अवयवों को जोड़ना है टू माइनस वन वन थ्री प्लस थ्री सिक्स माइनस फोर प्लस माइनस फाइव माइनस का नाइन माइनस वन प्लस टू प्लस का वन टू प्लस फोर सिक्स थ्री प्लस माइनस सिक्स ये हो गया माइनस का थ्री, ये आपके पास में आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये आपका आंसर है। तो देख लीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आया है वो देख लीजिए, तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।